खुफिया विभाग से मिले आतंकी घटना के इनपुट को लेकर मेरठ जिला प्रशासन ने सुरक्षा का ऐसा अभूतपूर्व खाका तैयार किया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, यानी कि कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं बरती गई। इसी को लेकर डॉग स्क्वाड बम स्क्वाड भी अलर्ट था। श्री बाबा अमरनाथ मंदिर पर सुबह ही डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमें पहुंच चुकी थी। टीम ने मंदिर परिसर के चप्पे चप्पे पर अपनी नजर रखी और चप्पे चप्पे को खंगाला। बम स्क्वाड ने आधुनिक उपकरणों से एक एक जगह को बारीकी से चेक किया, इस पूरी व्यवस्था पर नजर बनाकर रखी। हमारे संवाददाता सनोज शर्मा ने देखिए चेकिंग। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम हैं अमरनाथ मंदिर पर और आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की जो टीम है वो यहां का निरीक्षण कर रही है। चप्पे चप्पे को यहां पर खंगाला जा रहा है और जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर इनपुट मिल रहे थे उसको लेकर जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरा अलर्ट बनाए हुए हैं। लगातार यहां पर इस तरह की कई टीमें हैं जो यहां चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर यहां पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की जो टीम है वो लगातार यहां पर जाँच कर रही है। जो स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं बाकायदा उन स्टॉल के बाहर और भीतर ये एक तरीके से चेकिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर के माध्यम से यहां पर चेकिंग की जा रही है। दूसरा जो डॉग स्क्वाड है वो भी लगातार यहां पर अलग अलग इलाकों में जाकर अलग अलग चप्पे पर जाकर यहां पर जांच कर रहा है। जिस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की गई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आला अधिकारी जो है वो कोई कोताही यहां पर बरतने के मूड में नहीं है। जो पूरी टीम है सुबह से ये 10 से 12 राउंड यहां पर हो चुके हैं और इसी तरीके से यहां पर चेकिंग लगातार की जा रही है। सर एक चीज जानना चाहूंगा, अब तक किन किन पॉइंट पर आप चेक कर चुके हैं? हम बाहर के जितने भी मैनुअल पॉइंट है उन सबको जो है जितनी भी पार्किंग है और पब्लिक पैलेस है उसको सबको चेक कर सकें। लगातार चलती रही है सर चेकिंग चल रही है। 17 तारीख से हम लोग ड्यूटी में हैं, लगातार हमारी ड्यूटी चल रही है इसमें। तो आपने देखा कि लगातार 17 तारीख से यहां पर चेकिंग चल रही है और जो डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की जो टीम है वो लगातार यहां पर जांच कर रही है। यानी साफ है कि सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ सनोज शर्मा, सिटी। अमरनाथ मंदिर पर शिव भक्त कांवड़ियों और मंदिर पर आने वाले रास्तों की निगरानी तीसरी आंख से भी की जा रही थी। अमरनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इसके अलावा शहर के प्रमुख मार्ग पर भी सीसीटीवी की जद तय की गई थी। मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाके पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। बाकायदा इसके लिए मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम बन चुका था जहां पर तैनात पुलिसकर्मी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। पुलिसकर्मी इसके साथ ही वायरलेस सेट से भी शहर भर की व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। इस पूरे सिस्टम को कैसे ऑपरेट किया जा रहा था और कैसे पूरे शहर भर में डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल की तरफ से पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए लगाए गए सीसीटीवी से निगरानी की जा रही थी, इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहसिन खान ने। हरिद्वार से दिल्ली तक कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को कई फेजेस में बांटा गया। खासतौर से अगर हम बात करें मेरठ की तो मेरठ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग फेजेस में सुरक्षा की गई है, चाहे वो फिर पुलिस फोर्स को लगाना हो या फिर डॉग स्क्वाड हो बॉम स्क्वाड हो। इसके अलावा जिस तरह से भगवान शिव का तीसरा नेत्र होता है उसी तरह से पुलिस प्रशासन का भी तीसरा नेत्र इस कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में लगा हुआ है, यानी सीसीटीवी कैमराज। आप देख सकते हैं श्री बाबा अमरनाथ मंदिर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें पूरे शहर को कैप्चर कर लिया गया है। ये आप तस्वीरें जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शहर के अलग अलग मुख्य मार्गों की हैं। करीब 700 से 800 के करीब सीसीटीवी लगाए गए हैं और उन सीसीटीवी से यहीं पर बैठे हुए नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं गर्भगृह की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं। शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से जो गंगा जल लेकर आए हैं वो अपना पूरा उन्होंने जलाभिषेक किया। ये मंदिर परिसर की तस्वीरें हैं और यहीं से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है मंदिर परिसर का।
और ये मंदिर परिसर को आने वाला वो रोड है जहाँ पर शिवभक्त कांवड़ियों का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें शहर के दूसरे मार्गों की तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी कतारें भक्तों की हैं जो शिव भक्त कांवड़िये जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें शहर के मुख्य मार्ग तो वो इस वक्त सड़कें सुनी नज़र आ रही हैं, दर्शा रही हैं कि जो कांवड़िये हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं वो लगभग लगभग शिवालयों की ओर पहुँच चुके हैं और शिवालयों पर पहुँचने के बाद वो भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। ये लाइन जो सीधी मंदिर के अंदर आएगी वो यहाँ से कंट्रोल की जा रही है। पूरे शहर को सीसीटीवी से पाट दिया गया है। एक मंदिर परिसर के ऊपर इस बने कंट्रोल रूम को देखकर यहीं से आप पूरे शहर को देख सकते हैं। और डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल जो आपका अपना चैनल है उसने इस पूरे जो कांवड़ यात्रा थी उसकी सुरक्षा को तीसरी आंख से कैद किया हुआ है। गर्भगृह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो शिव भक्त कांवड़िये हैं वो भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सिद्धपीठ श्री बाबा अगरनाथ मंदिर से ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर सुरक्षा का एक ऐसा खाका तैयार किया गया है कि जिसे कोई भेद ना पाए। ये बताइए आप कब से यहाँ पर ड्यूटी पर हैं और किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा रहा है? 3 दिन से ड्यूटी पर है, 3 दिन से जी। यहीं से सीसीटीवी के द्वारा पूरे परिसर पर नज़र रखी जा रही है, मंदिर से जुड़ी हुई सभी सड़कें उन पर नज़र रखी जा रही है। यही हमारा वायरलेस सिस्टम लगा है तो उसी से कंट्रोल हो रहा है, यहीं से दिशा निर्देश दिए जाते हैं सभी कर्मचारियों को अधिकारियों को जो ड्यूटी में लगे हैं। सैकड़ों की संख्या में लगे सीसीटीवी से यानी बेहद आसान हो गया है कांवड़ यात्रा पर नज़र रखना? जी, इससे बहुत आसान हो गया है। यहीं बैठे बैठे सभी जगह नज़र रखी जा रही है, कहीं कोई भीड़ है या कोई और किसी प्रकार की बात है तो यहीं से कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, यहीं से कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि करोड़ों शिव भक्त कांवड़िये जो हैं भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे, हरिद्वार से कांवड़ लेकर आएंगे, उसी के मद्देनज़र आपने देखा भी होगा कि गुरुवार को एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार और कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार, आईजी रेंज राम कुमार, डीएम समीर वर्मा और एसएसपी मंजिल सैनी ने हवाई निरीक्षण भी किया था। उन्होंने देखा था पूरी हवाई निरीक्षण के दौरान के लगभग कितने कांवड़ियों के आने की उम्मीद है, उसी के मद्देनज़र ये सीसीटीवी कैमराज से पूरी यात्रा पर नज़र रखी गई है, यानी सुरक्षा का ऐसा खाका तैयार किया गया है जिसे भेद पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कैमरा पर्सन संजय सिंह और अपने सहयोगी सनुज शर्मा के साथ मोहसिन खान, सिटी हलचल।